आपने ब्लू व्हेल गेम के बारे में तो सुना ही होगा, तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं कार्तिक दुबे लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना मेरे को पता है अभी तक 200 लोग, टीनेजर्स और यंग लोग इस गेम को खेलते खेलते मर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये गेम उन्हीं लोगों को शिकार बनाता है जो दिमाग से जो कमज़ोर होते हैं या जिनको डिप्रेशन में चले जाते हैं जो लोग, तो वो लोग मरने मरने की सोचते रहते हैं और वही लोग खेलते हैं इस गेम को और फिर होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि होता क्या है असलियत में। तो जो गेम का एडमिन होता है वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो दिमाग से कमज़ोर हैं या फिर जो डिप्रेशन में हैं, और फिर उन लोगों को वो SMS करता है और या फिर ईमेल करता है जहाँ पे एक लिंक होती है। उस लिंक को खोलते से ही आपके फ़ोन में मालवेयर वायरस घुस जाता है और आपकी जो सारी डाटा है वो पहुँच जाता है। चालू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। एडमिन आपको ब्लैकमेल करता है अगर आपने चैलेंजेस पूरे नहीं किए, तो आपका पूरा डाटा इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप गेम चलते रहता है और 49 स्टेप होने के बाद 50 जो चैलेंज होता है 50 वाला, उसमें मरने के लिए बोल दिया जाता है और जो होता है वो 200 लोग मर चुके हैं। फिर लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं इस टाइम पे, जब 50 दिन तक बच्चा खेल रहा है तो पेरेंट्स को क्या ज़रा सा भी शक नहीं होता? तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी तो थोड़ा सा मुझे मालूम पड़ा है कि इसमें जो बीच में जो चैलेंजेस आते हैं उसमें आपको बोलते हैं कि ब्लेड से आपके हैंड पे कट लगाने हैं और वो वेल बन जाती है जब पूरे कट्स लग जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो कट्स तो यहाँ पे दिखते हैं ना, तो वो कट्स पेरेंट्स को या टीचर्स को या फ्रेंड्स को क्यों नहीं दिखते? तो ये मेरे को समझ में नहीं आता और पता नहीं आप ही क्या राय है इस पर, बताना है मुझे नीचे कमेंट्स में। तो इसमें पेरेंट्स की भी गलती है क्योंकि 12-13 साल के बच्चों को स्मार्टफोन्स कौन देता है? और अगर आप देते भी हो तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है इंटरनेट पे या फ़ोन पे। मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा कुछ गलत चीज़ों में तो नहीं जा रहा है। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है ये वीडियो तो आपके बच्चों के मोबाइल चेक करिए, इंटरनेट चेक करिए कि वो हिस्ट्री चेक करिए कि वो क्या कर क्या रहे हैं इंटरनेट पे। और अगर आप टीनेजर हो और यंग हो मेरे जैसे और आप में भी कीड़ा है गेम खेलने का, तो इस गेम को मत खेलना, बहुत घटिया गेम है ये और बस ये नेगेटिविटी के लिए ही है, तो इस गेम को मत खेलना। तो जिसने ये गेम बनाया था वो पकड़ा जा चुका है और एक और एडमिन भी पकड़ा जा चुकी है, लेकिन अब ये गेम दूसरे नामों से भी आ चुका है तो नाम अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को एक ध्यान में था नाम लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे बता दूँगा, तो आप उनसे भी दूर रहिए। और ये सेम ही गेम है, बस उसको नाम चेंज करके डाल दिया गया इंटरनेट पे। तो सरकार भी इसको बैन करने पे सोच रही है कि इसको कैसे बैन कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो हमारे CM शिवराज सिंह चौहान ने ये बोला है कि हमने केंद्र सरकार से बात की है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बैन कैसे करना है, तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से केंद्र की सरकार बताएगी उनको, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली बैन हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि 200 बच्चे या फिर यंग जो हैं, 200 कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस गेम को खेलते खेलते। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इस रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।